नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट के बारे में। बिहार में पहले ईवीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण चुनाव में देरी हुई, उसके बाद से कोरोना की दस्तक के बाद से चुनाव अब अक्टूबर नवंबर में कराने की बात कही जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव को लेकर अपडेट जारी कर रहा है। इसी दौरान आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम अब एक बार फिर से जुड़वाया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी है जो शुरू कर दिया है। आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 1 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन, पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने से पहले 9 अगस्त तक मतदाता सूची के दोहरे मतदाताओं के नाम या अन्य प्रकार की त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर कर ली जाए। साथ ही साथ 31 अक्टूबर तक बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं की जाँच कर लें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह सभी विधानसभा क्षेत्रों के बूथों का ऐसे निर्धारण कर लें जिससे किसी भी बूथ पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं हो। निर्वाचन आयोग द्वारा हर विधानसभा में 1 जनवरी 2022 के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करने के लिए निर्देश सीईओ को दिया है। इसमें बताया गया है कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 नवम्बर 2021 को कर दिया जाएगा। इस बीच में 1 से लेकर 30 नवंबर तक मतदाताओं से दावा आपत्ति का आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा सकता है। आयोग के सीईओ का निर्देश दिया है कि 20 दिसंबर तक दावा आपत्ति का निपटारा कर लिया जाए। आयोग ने 5 जनवरी 2022 को सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की है। आयोग के सीईओ के निर्देश दिया है कि प्रारूप प्रकाशन के पहले सीईओ द्वारा सभी बीएलओ द्वारा अपने बूथों का भ्रमण किया जाएगा। बीएलओ की जिम्मेवारी दी गई है कि वे अपने बूथ का फोटो के अलावा अक्षांश एवं देशांतर का अरुणा ऐप पर कैप्शन लगाएंगे, यानी कि फोटो खींचकर जो है उस पर अपलोड करना होगा। साथ ही वह राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर इसकी जानकारी दे देंगे। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सियासत तेज हो गई है। मतदाता से लेकर उम्मीदवार तक पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखना है कि गाँव की सरकार कितने दिनों में बनती है। वर्तमान में जो पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श समिति का गठन कर दिया गया है, ऐसे में अब देखना है कि बिहार में कब पंचायत चुनाव होते हैं। तो ये थे वोटर लिस्ट को लेकर जानकारी, जिसमें ये बताया गया है कि नए वोटर जो है वो अब अपना अपडेट करवा सकते हैं, यानी कि नए वोटर जो है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसको लेकर जो है लगातार राज्य निर्वाचन आयोग अपडेट करता रहा, एक बार फिर से उसने अपडेट जारी किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।